Hello everyone, so welcome back to the Unacademy JEE YouTube channel. Myself, Paaras Sir, and let's continue this new series that is the Solomons Fryhle book exercise solutions, right? So today, our first chapter, Solomons Fryhle, adapted by M.S. Chauhan sir, ke exercise ke question discuss karne wala. It is going to be an amazing journey. So aap sabhi, sabse pehle, before we start with this amazing session, make sure aap logo ne channel, Unacademy JEE channel, subscribe kiya hai, hit the like button. Hit the bell icon and also share it with everyone ताकि lockdown के time पे everybody who's जो घर पे ये सारे बच्चे तो उनको इस benefit मिले, इस series का benefit उनको मिले. तो make sure कि share करना है, मोहल्ले में हल्ला करना है, क्योंकि अब तो सारे मोहल्ले में घर पे ही हैं, right? चलिए तो start करते हैं. And ये class 11th के बच्चे भी देख सकते हैं, class 12th के देख सकते हैं, dropper वाले बच्चे भी देख सकते हैं. तो सबके लिए beneficial है ये chapter, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट्स को भी कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई कर रहे हैं वो भी हम सीखेंगे, राइट? एंड यस नाउ अनअकैडमी जेई बेटा इंडिया का, ठीक है, मतलब एक वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है. एंड नाउ द सब्सक्रिप्शन स्टार्ट्स एट 1500 पर मंथ और उस पे भी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या मिलता है, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स. हम सबसे आप लाइव पढ़ सकते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, ठीक है. और उस पे भी अगर आप कोड अप्लाई करते हो पीटी लाइव तो आपको 10% डिस्काउंट, कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने पे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा. एंड अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं देन मंथली कॉस्ट कम्स डाउन टू 1350 या 1350 रुपए पर मंथ. क्या होते हैं IIT की प्रेपरेशन, स्टडी मटेरियल भी आने वाला है, टॉप एजुकेटर्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ठीक है, 60+ ग्रेट एजुकेटर्स जो पढ़ा रहे हैं. तो ज्वाइन करने का प्लान है तो जल्दी से जल्दी आ जाओ. एंड स्टार्टिंग विद दिस ब्यूटीफुल कोट, क्योंकि आज के टाइम में दिस इज एग्जैक्टली एप्ट के आपको वही फाइट जो आपने सोचा था जनवरी में हमने फाइट की थी अप्रैल में होके खत्म हो जाएगी, वो फाइट अब आपकी अप्रैल से आगे चलेगी, जेई मेन आपका पोस्टपोन हो चुका है. तो यस, यू विल हैव टू फाइट दिस बैटल वंस अगेन टू विन इट. और अब आपके पास समय भी है, अब इस समय को आप कैसे मेंटेन करते हो, अगर आप सारे अपने पीक परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखते हो एग्जाम तक तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत इंप्रूव करेंगे. बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पीक अप्रैल या मार्च में आ गई थी कि हम अप्रैल में एग्जाम दे देंगे और अब वो डिक्लाइन पे हैं, तो वो बच्चे नुकसान करेंगे अपने रैंक में. तो आपको बेटा अपनी जो पीक परफॉर्मेंस आपने अचीव कर रखी थी जैन फरवरी मार्च के टाइम पे, उसको मेंटेन करना है, थोड़ा और आगे स्ट्रेच करना है ताकि आप अच्छा रैंक स्कोर कर सकें. फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. वेरी बेसिक क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो फॉर द 2 एनिलिनियम आयन स्ट्रक्चर. चार्जेस को थोड़ा सा मैं अच्छे से यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं. ये प्लस होगा, यहां पर भी प्लस होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग यहां पे प्रिंटिंग एरर है बुक में, ठीक है. जल्दी से 30 सेकंड आपको मैं इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी जेई पूछ चुका है. फाइन, एंड मेक श्योर कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी वो कमेंट्स में जरूर बताना है. देखिए, 2 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, यहां पर नाइट्रोजन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ऑक्टेट इसका ऑलरेडी कंप्लीट है 4 बॉन्ड में. ये वाला स्ट्रक्चर तब बनेगा अगर आप इस पाई बॉन्ड को यहां मूव करते हो, तभी यहां पर डबल बॉन्ड आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, राइट? बट ऐसे करने पे नाइट्रोजन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड्स, जिससे बेटा उसका हो जाएगा ऑक्टेट एक्सीड. तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो नहीं होते हैं, तो 5वां बॉन्ड नहीं बन सकता, ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता. तो ये जो 2 है, दिस इज एन इनवैलिड लुईस स्ट्रक्चर. तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं होता. तो इसलिए आंसर आएगा सी, 2 इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज द नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. तो आई होप सब बच्चों ने सही आंसर दिया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 30 सेकंड. तो 30 सेकंड आपके पास है, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठिए, ऐसा मत करना कि डायरेक्टली बस क्वेश्चन को देखा. काफी बच्चे ऐसा करते भी हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी होती है, तो प्रैक्टिस कर रखा होता है कि वो देख के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. बट अगर आप उनमें नहीं आते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, थोड़ा रफ वर्क करना है, कुछ लिखना है, सोचना है, करिए साथ के साथ, ठीक है. देखिए, जब आप लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टेबिलिटी
ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी हम पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज ऑक्टेट रूल, कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है, ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो स्टेबिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, देखिए पहले वाले में बेटा जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही होता है। यहां पर दो कार्बन ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां पे एक कार्बन है, यहां पे तीन कार्बन है, यहां पर तीन कार्बन ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो पहला वाला भी बड़ा अनस्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट आ गए, बट जब सिमिलर चार्ज एडजेसेंट पोजिशन पे हो तो बहुत रिपल्शन क्रिएट करता है। तो वैसा तो सी में भी है, और सी में तीन कार्बन ऐसे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। ओके, तो बस उसके बेसिस पे, ऑक्टेट रूल के बेसिस पे ही हम बोल सकते हैं कि भाई साहब हमारा जो सी स्ट्रक्चर दैट इज द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, और आई डोंट थिंक इसमें आपको 30 सेकेंड की भी जरूरत है, आई एम श्योर कि आप लोग उसको 30 सेकेंड से भी कम टाइम आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, चार्ज इज लाइक लोड। ठीक है, लोड क्या होता है बेटा, अगर आपके ऊपर भार, कोई भारी चीज हम रख दें, ठीक है, मान लीजिए कुछ आप बैग कैरी कर रहे हो बहुत भारी है, तो आप कंफर्टेबल फील करोगे क्या? नहीं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा उसको हल्का कर दें तो आप अच्छा फील करोगे। तो चार्ज इज लाइक लोड, लोड को आप जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दो उतना ही हम खुश होते हैं, स्टेबल फील करते हैं, और लोड बढ़ा दिया जाए तो अनस्टेबल फील करते हैं। फाइन, और यहां पर देखिए ये नेगेटिव चार्जेस है, अगर आपको विजिबल नहीं है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। फाइन, तो बेटा नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पे है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो, फैला कैसे सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के। तो जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो नेगेटिव चार्ज को खींच के फैला देते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज मीन्स भूखा नंगा कार्बन, राइट, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बेचारा भूखा नंगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो यार दान दो बेचारे को, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दो उसको, उसको डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। तो कार्बन आयन की बात हो रही है, पहले वाले में कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, दूसरे में CH3 है, डोनेटिंग है, अनस्टेबल करेगा। सी वाले में देखिए नाइट्रो एक स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो इंडक्टिव और मेसोमेरिक दोनों इफेक्ट से विड्रॉ करता है, और डी में अगर आप बात करेंगे तो CH3 बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू डोनेट करता है, तो ये डोनेटिंग है, सिर्फ एक ही था इसमें विड्रॉइंग था। सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने देखते ही आंसर इसका कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 30 सेकंड फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज, क्या होगा? अब ये जो स्पीशीज है पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर है, और कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस स्पीशीज को क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोकेटायन बोलते हैं, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कौन करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप्स। अब चाहे आप इंडक्टिव से डोनेट करवाइए, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू या रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो दो जगह से तो डोनेशन इसको मिल ही रही है, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दीजिए आप। तीसरा, इस बगल में जो ऑक्सीजन है इसकी रेजोनेंस से क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, ठीक है, तो ये यहां पर शिफ्ट हुआ, तो यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो कोई बात नहीं, ये मत सोचना कि सर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या हुआ, बट ऑक्टेट तो पूरे हो गए ना, पहले इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, अब इसका ऑक्टेट तो पूरा हुआ कम से कम। ठीक है, तो ये ऑक्टेट स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यहां पर भी ऑक्टेट स्टेबिलिटी आ रही है, यहां पर भी आ रही है, पर इसमें सिर्फ एक ही तरफ से इसको डोनेटिंग इफेक्ट मिल रहा है, यहां पर दो तरफ से मिल रहा था, तो मींस 1 is more stable than 3, और ये दोनों ही इन दो से बेटर होंगे क्योंकि इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीशन वाला रेजोनेंस फैक्टर नहीं लग रहा। ये 2 डिग्री है, दो तरफ से डोनेशन मिल रही है, इसको से एक ही तरफ से मिल रही है, तो 3 is more stable than 4, तो 2 is more stable than 4, तो 1 के बाद 3 फिर 2 फिर 4, तो 1 3 2 4, दैट इज डी ऑप्शन, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 4, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द स्ट्रक्चर दैट आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, अगेन 30 सेकंड फॉर दिस ब्यूटीफुल सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोग 30 सेकंड से जल्दी ही आंसर इसका दे भी दोगे। देखिए तो करना क्या है यहाँ पे, अगर आप इस डबल बॉन्ड, इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में देखें, इस पाई बॉन्ड को अगर मैं यहां पर शिफ्ट करूं,
तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यस, तो ये एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस डबल बॉन्ड को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास, राइट। तो मतलब ये भी एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ नेक्स्ट स्टेप में, तो यस ये भी है। और सी वाले में तो यही दो डायरेक्टली दे रखे हैं, पहले में आपको ये वाला दे रखा है स्ट्रक्चर और दूसरे में ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है ही है, तो ये भी सही है। डी वाले में गलती क्या है, ये जो डबल बॉन्ड था एक अल्काइल ग्रुप इधर है और एक इधर है, तो ये डबल बॉन्ड ट्रांस ओरिएंटेशन में है, पर ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये सिस ओरिएंटेशन में आ गया। और बेटा रेजोनेंस से कभी भी ज्योमेट्री अफेक्ट नहीं होती, ओरिएंटेशन जो है वो कभी अफेक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज सिस ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस तरह का चेंज नहीं ला सकता किसी भी स्ट्रक्चर में, तो डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए भी 30 सेकंड। आप बोलोगे सर सारे क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दे रहे हो, जेई मेन में तो ज्यादा टाइम मिलता है, बट ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक अगर आपको आती है तो आप बहुत जल्दी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, फास्ट सॉल्व कर सकते हो, तो इस चीज का फायदा उठाना है अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। देखिए चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी मैं करेक्शन करा देता हूँ, ये वाला बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ये गलत प्रिंट किया हुआ था, और यहाँ ठीक है इसके वजह से एक लोन पे रहेगा। एनीथिंग एल्स, यहाँ पे ओ पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, या एन पे नेगेटिव चार्ज है, ओ पे पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट बिकॉज के अगर आपको क्लियरली चार्जेस नहीं दिख रहे होते हैं, ठीक है। देखिए अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, वन और टू, और ये दिस इज फोर, वन और टू में क्या है, ये ओ था या ओ एच हो गया, रेजोनेंस में कभी भी एटम्स को मूव करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि एटम मूव कर रहे हैं मतलब दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो आप क्लियरली बोल सकते हो वन एंड टू आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, सिंपल। वन एंड थ्री की बात करें तो यस, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो यस दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो वन एंड थ्री यस दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सिंपल। और टू और फोर में अगर आप बात करें तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, एक नीचे जंप किया तो ये वाला पाई बॉन्ड उठ के नाइट्रोजन पे, तो थ्री और फोर भी आपस में हैं, तो थ्री एंड फोर आर आल्सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए ए ऑप्शन वन एंड टू आर कॉन्स्टिट्यूशनल सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है, ये सही है, वन एंड थ्री आर रेजोनेंस ये भी सही है, वन एंड फोर आर रेजोनेंस ये गलत है, वन एंड फोर तो रेजोनेंस नहीं है बिकॉज यहाँ ओ है, यहाँ पर ओ एच है ना, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, फाइन, सिंपल क्वेश्चन अगेन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, एंड अगेन अ 30 सेकंड विंडो फॉर दिस, 30 सेकंड सॉल्व करना है जल्दी से, ठीक है। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, और ये भी एंश्योर करें कि आप ये चारों स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या आपको चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने भी आते हैं, तो चलिए आप इसको सॉल्व करिए। मैं क्या करता हूं, मैं इनको चारों को ड्रॉ करता हूं, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। CH2 पे नेगेटिव चार्ज था, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तीन चार इलेक्ट्रॉन इसके बचे थे, इस नाइट्रोजन के पास तो पांच इलेक्ट्रॉन होंगे ना, न्यूट्रल है, तीन यहां पर हैं, दो यहां पर होंगे, तो इसके पास एक लोन पेयर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, अब क्या किया इन्होंने, यहां डबल डबल कर दिया, मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहां जंप करवाया तो ट्रिपल बॉन्ड उठा के नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन जो बीच वाला है इसके ऑलरेडी चार बॉन्ड है, पांचवा नहीं बन सकता, तो ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां जंप करेगा तो इस एक पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N इस पे पॉजिटिव ही रहा क्योंकि एक आया एक गया, बात बराबर हुई इसके लिए, पर इस नाइट्रोजन के पास एक पेयर तो पहले से था, एक बॉन्ड आ गया तो एक एक्स्ट्रा पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट में क्या है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ओके, इस पाई बॉन्ड को उठा के इस नाइट्रोजन पे रख देते हैं, ठीक है, तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसका एक बॉन्ड कम हो गया, और नाइट्रोजन को एक पेयर मिल गया तो वो न्यूट्रल हो गया और ये तो पहले जैसे रहा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट फोर्थ वाले में CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो वो आई थिंक वहां से नहीं आया, वो आया इससे, CH2 पे नेगेटिव ही था और N डबल बॉन्ड N था, मतलब ये पाई बॉन्ड उठ के इधर आया था, बीच में शिफ्ट हुआ था ये, ओके, ठीक है, तो ये CH2 पे नेगेटिव ही रहा और ये N डबल बॉन्ड N, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ना इसमें से एक पाई बॉन्ड अब लेफ्ट में शिफ्ट हुआ इस नाइट्रोजन के ऊपर ताकि यहां पर एक पेयर आ जाए और
इस नाइट्रोजन के पास देखो दो चार छह छह इलेक्ट्रॉन बचे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज योर वन, दिस इज योर टू एंड दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। अब अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, ऑक्टेट कहां कहां पूरे हैं, पहले वाले में सारे ऑक्टेट पूरे हैं, यस। दूसरे वाले में सब तीनों के ऑक्टेट पूरे हैं, यस। तीसरे में इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, फोर्थ में इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। और आपको पता ही ना, जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, तो थ्री और फोर तो लास्ट में ही आएंगे, ये क्लियर है, थ्री और फोर लास्ट में आएंगे क्योंकि ऑक्टेट पूरे नहीं है। तो यहां देखो थ्री को सबसे आगे कर दिया, ये ऑप्शन आउट हो गया, थ्री सेकंड पोजीशन पे आ गया, सेकंड पे नहीं आना था। हाँ, यहाँ पे थ्री और फोर, थ्री फोर लास्ट में है। अब थ्री फोर में से ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है, ऑक्टेट वाला फैक्टर तो कॉमन है, दोनों में एक एक बंदा ऐसा है जिसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, पर बेटा एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छा नहीं होता, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, तो फोर्थ वाला सबसे पीछे होगा। और वन और टू में कैसे कंपेयर करेंगे कि वन और टू में आगे कौन होगा, वन में कार्बन पे नेगेटिव है और टू में नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो टू शुड बी मोर स्टेबल। तो दिस इज हाउ यू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, अब काफी बच्चे पूछते हैं इसमें सर कि आप ये पूरी सॉलोमन्स की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, या धीरे धीरे करके मैं सारी इसके चैप्टर्स के सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि प्लस प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वहां ऑलरेडी मैं एक पूरा डिटेल्ड ऑर्गेनिक का कोर्स रन कर रहा हूँ, जिसमें मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, 11 12th मिला के पूरी एक ही फ्लो में, और उसमें सॉलोमन्स एंड फ्रायल बुक को पूरा पढ़ा भी रहा हूँ मैं, उसको वहां पर भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी भी डिस्कस हो रही है, प्रॉब्लम भी डिस्कस हो रही है, और जो उस बुक में भी कुछ टॉपिक जैसे नहीं है, जो कुछ एडवांस टॉपिक हम पढ़ते हैं जो उस बुक में भी नहीं है, वो भी हम एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं, मतलब बुक तो कर रहे हैं उसके साथ ऑन टॉप ऑफ दैट जेई एडवांस के लिए एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज आवर 8th क्वेश्चन, चलिए 30 सेकंड फॉर दिस लिटिल क्वेश्चन हियर। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा है भाई, समझ आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है, टाइम का फायदा हो रहा है, तो शेयर जरूर करना है, बिकॉज आजकल बहुत जरूरी है कि हर घर में जो बच्चा उसको ये इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत सारे बच्चे मैंने खुद देखा, देखिए के स्कूल्स वाले भेज रहे हैं, गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ दिस एंड दैट, और उधर मैं गया, लिटरली आई वेंट टू दोज वेबसाइट्स, वो लाइब्रेरी जो दी थी, कुछ प्रॉपर कंटेंट नहीं है, कुछ भी प्रॉपर कंटेंट नहीं है, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम में अगर आप ये इन्फॉर्मेशन, ये लेक्चर शेयर करें, राइट ऑडियंस तक पहुंचे, ये राइट जो बच्चों को जरूरत है इस टाइम, इट्स अ काइंड ऑफ सोशल सर्विस, कि जो घर पे फंसे हैं, अब कहीं जा नहीं सकते, स्कूल्स भी नहीं कर पा रहे हैं, बड़े स्कूल तो चलिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पर बेटा सरकारी स्कूल कहाँ पढ़ाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, तो उन बच्चों तक तो ये कंटेंट पहुंचना चाहिए, ठीक है, तो प्लीज शेयर करो उसको। एंड अगर आप लाइक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसके मतलब लोगों को पता लगेगा आपको अच्छा लगा है, ठीक है। चलिए, ऑब्वियसली द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द हाइब्रिड, बेटा जो मोस्ट स्टेबल होता है वही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट भी करता है, ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। देखिए यहां पर इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो बड़ा स्टेबल तो नहीं होगा, यहां पर इस कार्बन का पूरा नहीं ऑक्टेट, यहां पर इस कार्बन का पूरा नहीं है, यहां पर सबका पूरा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, है ना। ये देखो कैसे कैसे हुआ, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो ये अब बना, फिर इसमें उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, सी वाला पॉजिटिव ऊपर आ गया ना, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड जब नीचे शिफ्ट किया तो ये वाला स्ट्रक्चर बना, और इसमें जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां जंप किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पर ऑक्टेट सबके पूरे हैं, तो इस स्ट्रक्चर में ऑल ऑक्टेट्स आर कंप्लीट, और ऑल ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन था 8, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, एक्रोलिन में रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ सॉरी नॉट एक्रोलिन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन भाई साहब में यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, तो उसका हाइब्रिड क्या है, चलिए जल्दी 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर, ठीक है। अब यहां पर आई थिंक आपको देखते समझ भी आ गया होगा, क्या समझ आ गया होगा कि ये जो वाला डबल बॉन्ड है ना, ये बेचारा तो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, डबल फिर सिंगल सिंगल दो सिंगल बॉन्ड आ गए बाद में, मतलब ये बेचारा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा तो कुछ भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन पहले आउट होगी, ये ऑप्शन पहले आउट होगी, और इसके ऊपर पॉजिटिव जैसा कुछ बिल्ड हो, डजंट मेक सेंस,
है ना, इसके ऊपर इतना पॉजिटिव कुछ बिल्ड होगा, ठीक है, कैसे बिल्ड होगा, चलो बाकी देखते हैं। तो ओ वन सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सेकेंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ सी को काटना था, हाँ इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डजंट मेक सेंस, और यहाँ पे ये सीधा कर दिया है, सुनो सीधा तो नहीं था ये तो स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखोगे, ये डबल बॉन्ड जब यहां जंप करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, तो बात तो बराबर है ना, दोनों आइडेंटिकल है ना, एक तरफ डबल बॉन्ड सी एच टू और एक तरफ सिंगल बॉन्ड सी एच टू पॉजिटिव है, बोथ स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। तो मतलब ये जो डबल बॉन्ड है 50% टाइम यहां रहेगा, 50% वहां रहेगा, मतलब दोनों में आधा आधा बटा रहेगा, तो मतलब यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दोनों में बराबर बराबर आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों कार्बन में बंट जाएगा, और ये डबल बॉन्ड पे कोई चार्ज नहीं आएगा बिकॉज ये कॉन्जुगेशन का कभी पार्ट ही नहीं था। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन 30 seconds, अगेन यहां पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटीज के बारे में पूछा गया है, तो आपको बता देता हूं मैं, कार्बोकैटायन को नॉर्मली क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्बिनियम आयन, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये तो काफी बुक्स में लिखा होता है कार्बोनियम आयन, दैट इज रॉन्ग, कार्बोकैटायन का सही नॉमेनक्लेचर है कार्बिनियम आयन, कार्बोनियम उसको पहले बोलते थे, दैट इज रॉन्ग नॉमेनक्लेचर नाउ। देखिए यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में है, ये अलाइलिक है ना, 2 degree अलाइलिक है, क्योंकि ये रेजोनेंस में ये अलाइलिक पोजीशन है, और ये 2 degree भी है, ये बेचारा सिंपल 1 degree है, ये वाला आपका सिंपल 2 degree है, और ये दोनों तरफ से अलाइलिक है, इधर से भी कॉन्जुगेशन में उधर से भी कॉन्जुगेशन, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में, तो चलो कम से कम दो साइड से तो है, और ऊपर से 3 degree भी है, तो दिस इज 3 degree प्लस अलाइलिक, जबकि जो पहला वाला स्ट्रक्चर है दैट इज 2 degree प्लस अलाइलिक। वन सेकेंड, आई थिंक आप लोगों को आवाज सही आ रही है, ओके अभी तो कुछ मेरे को कम आ रही है, ठीक है अभी सही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 3 degree प्लस अलाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी मिल रही है और रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी मिल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है, आई थिंक इनमें से काफी क्वेश्चन पुराने जेई एडवांस या जेई मेंस के क्वेश्चन रहे होंगे, कोई बात नहीं कर लेते हैं, तो ये जेई एडवांस के क्वेश्चन है, यस कोई बात, गिरता रहता है सामान, ठीक है, तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, एंड लेट मी नो अगर आप सॉलोमन्स एंड फ्रायल के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में भी इंटरेस्टेड है, ऐसे उसे बहुत फंडामेंटल बिल्ड होता है, बहुत मजा आता है उन क्वेश्चन को करने में, अगर आप सॉलोमन्स फ्रायल के जो ओरिजिनल बुक है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में भी इंटरेस्टेड है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखिए द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्ट ब्यूटाइल कैटायन, जब आप टर्ट ब्यूटाइल कैटायन की बात करते हैं, ओके तो कार्बन के तीन तरफ ये, ठीक है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, इधर भी CH3 है, तीन तरफ, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, फाइन, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट सेशन में क्या करूंगा, मैं थोड़ा मल्टी कलर यूज करूंगा, तो अभी के लिए टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन के पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तो बेटा जब ओवरलैप करेंगे दो लोग, एक खाली होना चाहिए और एक भरा हुआ होना चाहिए, यही ना, तो ये वाला तो अपना एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, अब बगल में कुछ और भरा हुआ होना चाहिए, ये वाला जो सी एच बॉन्ड है अल्फा कार्बन पे, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन यूज होते हैं ना, तो ये वाला जो sp3 ऑर्बिटल है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन, ये जो भरा हुआ सिग्मा बॉन्ड है, ये ओवरलैप करता है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, ओके, तो कार्बोकैटायन में किस किस का ओवरलैप होता है, सिग्मा और पी के बीच में होती है ओवरलैपिंग, पर पी कैसा होता है बेटा, खाली, ठीक है, तो सिग्मा से पी, और पी कौन सा, एम्प्टी, ठीक है, सिग्मा से पी एम्प्टी, सी ऑप्शन में दिया सिग्मा से पी फिल्ड, यार सिग्मा खुद फिल्ड है, अगर पी भी फिल्ड होगा तो फिल्ड फिल्ड क्या करेंगे, खाली मग होगा उसी में कुछ डाल सकते हो ना, भरे में तो नहीं डाल पाओगे, ठीक है, तो ये सही है, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग नहीं, गलत है, पी फिल्ड से पी फिल्ड नहीं होता, पी खाली होता अपना, तो टर्ट ब्यूटाइल कैटायन का। फिर 2-butene, जब आप एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन में क्या होता है, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके बगल में ये सी एच बॉन्ड है, ओके, तो इस सी एच बॉन्ड में ये आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा है ना, ये सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का पाई बॉन्ड, जो जो पी ऑर्बिटल थे वो पाई बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज थे, तो जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे वो तो ऑक्यूपाइड थे,
कौन ऑक्यूपाइड थे? जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थे वो ऑक्यूपाइड थे, तो फिर पाई एंटी बॉन्डिंग तो खाली होंगे ना बेटा। जो बॉन्डिंग, देखो पाई जो बॉन्ड बना, तो बॉन्डिंग भी बना मॉलिक्यूल ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग भी बना। बॉन्डिंग में चले गए इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड बना दिया, पर एंटी बॉन्डिंग तो खाली था। तो ये जो सिग्मा का भरा हुआ ऑर्बिटल है, इसके पाई के एंटी बॉन्डिंग के साथ ओवरलैप करता है। ओके, तो सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो ये चीज समझने वाली है, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाई है। ओके, चलिए 11 क्वेश्चन हो गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्सी एनायंस गिवन बिलो। यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अभी आपको मैंने बताया है विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो या जितना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा हो। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज सर, जितना ज्यादा, जैसे आप बोलोगे सर इसमें अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कंपैरेटिवली ज्यादा बनेंगे। बेटा ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस बात की गारंटी नहीं है कि वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे इसमें से दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं एसीटेट आयन में, पर उन वो दोनों बड़े स्टेबल होते हैं क्योंकि दोनों में नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे रखा गया है। बन दो ही रहे पर दोनों बड़े स्टेबल बनते हैं। यहां ज्यादा बनते हैं पर एक बार ऑक्सीजन पे, बाकी बार कार्बन पे है। ठीक है, तो सिर्फ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है। फाइन, क्लियर है? और उल्टा ये तो बड़ा अनस्टेबल होगा, यहां तो उल्टा डोनेशन मिल रही है और वो भी अच्छी खासी फुल, ठीक है, डोनेशन मिल रही है, गलत है, और ये भी डोनेशन मिल रही है। तो सबसे स्टेबल कौन सा हुआ? ये रेजोनेंस है, इसमें भी है पर वन का बेटर है। तो वन एंड टू, थ्री एंड फोर से तो बेटर होगा, वन सबसे आगे हो, तो वन फिर टू फिर फोर फिर थ्री, वन टू फिर फोर फिर थ्री, क्योंकि फोर में कम से कम उतना बड़ा डोनेशन नहीं मिल रहा, उतना स्ट्रांग डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग, टर्ट ब्यूटाइल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप होता है। सिंपल, चलिए 12th क्वेश्चन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 13 एंड 30 सेकंड्स, इसके लिए आपको मैं दे रहा हूं है यस। यहां पर जो ऑप्शन आप देखेंगे बी और सी ऑप्शन एग्जैक्टली सही है, तो इनको चेंज कर लेते हैं। ये एक्स वाई जेड है, इसको हम कर लेते हैं वाई जेड एक्स कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। ओके, चेंज थोड़ा सा बुक में प्रिंटिंग का कुछ जगहों पे है तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटिंग में थोड़े बहुत एरर्स हैं। ओके, देखिए तो ये थ्री कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, ओ मतलब ये इसकी बात कर रहे थे, कार्बन ऑक्सीजन एक्स इन्होंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो काम करते हैं फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो एक्स यहां नहीं है, एक्स ये वाले महाशय है ऊपर वाले। ओके, तो एक्स वाई जेड को वाई एक्स जेड हो गया, और क्या कॉम्बिनेशन है, वाई यहाँ कर लेते हैं इसको पीछे, और जेड कर लेते हैं और एक्स कर लेते हैं, ये कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, चलो अब आप देखो इसके बारे में। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, देखिए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, बेटा इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा, ये वाला लोन पे यहाँ जंप करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। बट ये उतना कॉन्ट्रीब्यूटिंग नहीं होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए। ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल में ये बॉन्ड डबल है, ये ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल था, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा मतलब ये वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो एक्स सबसे छोटा होगा, और जेड तो बेचारा सदा ही सिंगल था, उसके पास तो कभी डबल बॉन्ड करेक्टर आया नहीं, तो जेड तो सबसे आगे ही होना है, जेड सबसे लंबा होना है, बराबर होंगे नहीं, जेड सबसे आगे होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, जेड सबसे आगे। और एक्स में सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर है, वाई में है, वाई में भी है, पर वाई में उतना नहीं है, क्योंकि वो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, कम कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिड में। तो एक्स सबसे छोटा, फिर वाई, फिर सबसे बड़ा जेड, सी ऑप्शन करेक्ट वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, चलिए बताइए। बहुत सिंपल से, तो बहुत ही सिंपल सा है, बेंजीन, यार दोनों बेंजीन है, बस ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड अलग अलग है, यस दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये ओ का ओ एच कर दिया आपने, ये कीटोइनोल, दे आर टॉटोमर्स, ये कीटोइनोल टॉटोमर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्योंकि रेजोनेंस में एटम्स को मूव करना अलाउड नहीं होता। फाइन, और यहाँ पे अच्छा रेडिकल रेडिकल कर दिया उन्होंने,
देखो यहां पर उन्होंने एक रेडिकल लगा दिया है, यहां पर भी एक रेडिकल लगा दी, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन उठाओ, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन उठाओ, बीच में डबल कर दो, और ये एक इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर में, एक इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर में रख दो। यस ये भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है भाई साहब, ये वाले भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, और ये वाला बॉन्ड यहां जंप कर जाएगा, तो यस ये वाला भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन था ये, 14 भी हो गया सिंपल। चलिए 15th क्वेश्चन, और भाई समझ आ रहा है तो लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है, कंजूसी नहीं बरतनी है, ठीक है। देखिए फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इंटरमीडिएट। अगेन कार्बोकेटाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज दो तरफ से डोनेशन वैसे ही मिल रहा है, और ऑक्सीजन का रेजोनेंस से ऑक्टेट कंप्लीशन हो रही है, वो यहां पर भी हो रही है, पर इसको दो तरफ से नहीं मिल रहा डोनेशन, एक ही तरफ से मिल रहा है, तो वन इज मोर स्टेबल देन टू, इतना तुम बोल सकते हैं। यहां इस बेचारे को कोई रेजोनेंस नहीं मिल रही क्योंकि बीच में एक CH2 आ गया, यहां पर यस रेजोनेंस मिल रही पर कोई डोनेशन नहीं मिल रही। तो वन टू और फोर में रेजोनेंस तो है, तो वन सबसे अच्छा, फिर टू, फिर जाके फोर, और थ्री बेचारा सबसे पीछे क्योंकि उसको कोई रेजोनेंस देने वाला भी नहीं है। तो वन टू फोर थ्री, वन टू फोर थ्री बी ऑप्शन करेक्ट, सिंपल। तो जब भी स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकेटाइन की, ऑक्टेट स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट वाज अबाउट द सेशन, तो शेयर जरूर करना है जेई लाइव डेली के साथ, नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे, घंटी जरूर बजानी है। और आप अगर हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पे नहीं जुड़े हैं तो जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप ऑन योर मोबाइल, क्रोम ब्राउजर ओपन करो, क्रोम ब्राउजर में टाइप करो tinyurl.com/jlivechat। ऑलरेडी अरे करीब करीब 40,000 बच्चे इस पर जुड़ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मतलब क्लास स्टार्ट हो रही है उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, क्लास के नोट्स इस पे आपको मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा है हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए। और बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन राइट, जो कि बेस्ट है, ठीक है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलता है, अभी जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, इट्स अ वन वे ट्रैफिक, यहां पर आप लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लाइव क्लास में चैट के थ्रू इंटरेक्ट कर पाओगे, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ मैं, एक अलग से कोर्स में 12th का अलग से कोर्स चल रहा है, 11th का अलग से कोर्स चल रहा है, आप इंटरेक्ट कर पाते हो एजुकेटर के साथ, टू वे ट्रैफिक हो पाती है, लाइव पोल होते हैं, मैं क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया सॉल्व करने को, आपकी स्क्रीन पे ABCD ऑप्शन आ जाएगा, आपको ऑप्शन बी सही लग रहा है बी पे टिक करो, फिर रिजल्ट आता है कि इतने परसेंट बच्चों ने ए ऑप्शन सही टिक किया, बी टिक किया, सी किया, डी किया, टॉप कौन किया, सबसे जल्दी किसने आंसर सही किया, तो आपको रैंकिंग मिलती है। अगर आप और क्वेश्चन सही करते गए तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव भी होती है, तो एक क्लास में कॉम्पिटिशन बना रहता है, जिससे आपको पता लगता है कि ओके मेरा ये रैंक आया, मेरे को इम्प्रूव करना है। तो वो जो कॉम्पिटिशन अगर आप उस तरीके से हर क्लास में प्रिपेयर करोगे तो इवेंचुअली आपको टाइम का आइडिया रहेगा कि यार मैं कितनी जल्दी कर पा रहा हूँ और बाकी बच्चे मेरे से फास्ट हैं या स्लो हैं। तो नॉर्मल जब हम नॉर्मल क्लास अटेंड करते हैं ऑफलाइन में, हमें ये नहीं पता चलता कि सॉल्व तो मैंने कर दिया, मैंने कितनी जल्दी किया, मैंने 1 मिनट में किया, दूसरे बच्चे ने 30 सेकंड में कर दिया था, पर मैं उतने खुश हो रहा हूँ कि सर मेरा भी सही है, पर आपने ये नहीं देखा आपने 1 मिनट में किया, उसने 30 सेकंड में किया। तो इस लीडर बोर्ड में आपको रैंकिंग मिलती है, टाइम मिलता है, टेस्ट सीरीज है, जेई मेन जेई एडवांस के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है, उसका पूरा एनालिसिस होता है, मतलब टीचर उसके ऊपर एक लेक्चर लेता है, उस टेस्ट सीरीज को पूरा डिस्कस करता है, क्वेश्चन को डिस्कस करता है। देन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, लाइव क्लास में आप क्वेश्चन का फोटो अपलोड कर सकते हो, इससे बेटर डाउट क्लैरिफाई कहां पे होंगे कि लाइव क्लास में आप क्वेश्चन का फोटो लेके अपलोड कर दो और डाउट पूछ लो और वो डिस्कस हो जाएगा, तो आपके डाउट का बेनिफिट बाकी बच्चों को होगा, उनके डाउट्स का बेनिफिट आपको होगा। एंड इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, हमारी जे लाइव डेली की टीम यहाँ पर आपको पढ़ा रही है। देखिए हमारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, एमर्ज फॉर क्लास 11, इवॉल्व फॉर क्लास 12, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो अगर आपको ये कोर्स अटेंड करने हैं। कोटा के एजुकेटर्स के भी बैचेज चल रहे हैं, अगर आपको उनसे पढ़ना आप उनसे पढ़ सकते हो, DC पांडे सर भी पढ़ा रहे हैं, रिनाउंड ऑथर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो बेटा इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखो 60+ एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप इन सबकी क्लासेस अटेंड करो, आप 11th के अटेंड करो, 12th भी अटेंड करो, आप कोई भी कोर्स देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक बैच ज्वाइन करना है दूसरा बैच ज्वाइन करना है, आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो, कोई लेक्चर मिस हो गया उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो, क्लास के नोट्स आपको बाद में मिल जाते हैं, आपको क्लास में उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। टेस्ट सीरीज यहाँ पे है, एवरीथिंग इज देयर। तो करना क्या, जस्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, इंस्टॉल करिए उसको, इंस्टॉल करने का जब ओपन करेंगे तो अपनी प्रोफाइल पे जाके प्लस पे क्लिक करें, क्लिक करने का जाएगा चूज योर गोल या मैनेज गोल्स, आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, IIT JEE, चलिए क्लिक करिए उस पर। नेक्स्ट आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करें, देन आपके सामने ऑप्शन आएगा कि 1 मंथ से लेके
2 ईयर तक की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अबे आईआईटी की तैयारी करनी है, 1 साल 2 साल तो कम से कम चाहिए, तो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन है 30,000 की, 2 ईयर की है सिर्फ 36,000 की, अभी प्राइसेस डाउन है। ओके तो बेटा 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन अगर आप पीटी लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन आपकी आ जाएगी 27 की एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन हो जाएगी आपकी 32,400। तो ऑब्वियस बात है यार, 32,400 देके 2 साल का लो। इवन अगर आपको 1 साल 1 ईयर का भी चाहिए, नेक्स्ट जेई मेन कब होगा कब नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 साल के अंदर तो नहीं होगा, उससे ज्यादा लगेगा, तो 5400 एक्स्ट्रा देने से आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज गो फॉर द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड पीटीआई फॉर द 10% डिस्काउंट। तो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा, समझ आया, कुछ वर्दी था, बताओ उसके बारे में, लाइक करो, कमेंट्स में बताइए कैसा रहा और क्या क्या इसमें कर सकते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि एक मजेदार लर्निंग एक्सपीरियंस हो। मतलब ऑर्गेनिक शुड बी फन, मतलब क्वेश्चन को देखा 30 सेकंड, ओके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ गया एंड डन। तो ये तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद द हैशटैग लेट्स क्रैक इट, और हमारे बाकी चैनल्स को भी शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर दिस लवली सेशन अटेंडेंस, शेयर इट, बाय।